ईमान ईमान इतना अरसा गुजारा हो गया, अब तो दूसरी शादी करने का टाइम आ गया लगता है। साजिद भाई से टिप्स लेते हैं इस बारे में, वो मेरे अच्छे बड़े से दोस्त हैं, वो मेरी इस बारे में हेल्प करेंगे कि उन्होंने सारा को कैसे एग्री किया। हाँ जी बेगम साहिबा, लगता है खर्चे का टाइम आ गया। और बच्चों क्या खाओगे तुम लोग अभी यहाँ पे जाके? पिज्जा यहाँ का। अरे अपन के बराबर कोई नहीं हो सकता, समझ आई ना? वाओ नाइस हेरिटेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, ठीक ठाक हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा आज हमारा पहला व्लॉग है और आज की व्लॉग में हम लोग शेयर करेंगे कि हम लोग कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, क्या प्लान है आज? आज हम बच्चों को सबसे पहले तो पार्क लेके जाएंगे और उसके बाद देखिए आप हमारे सभी लोग बने रहिएगा, बच्चों को आउटिंग पे लेके जाएंगे। अच्छा कोई खास प्लान नहीं है हमारा, बस ये है कि आउटिंग करेंगे, बाहर जाएंगे कहीं पे संडे आज, तो इन्जॉयमेंट करेंगे, थोड़ी घूमेंगे फिरेंगे। बच्चों का प्लान ये है कि हम लोग पार्क जाएं और हमारा प्लान है कि कहीं आउटिंग करें कहीं भी, है ना? हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को बाहर आउटिंग पे ले जाए, फिर ऐसा होता है कि पूरा वीक बहुत ज़्यादा फ्रेश बच्चों का गुजर गया होता है ना, क्योंकि वो पूरी उनकी वीकली रूटीन होती है बहुत टफ होती है, स्कूल ट्यूशन कारिसा वगैरह, तो इसी वजह से ना हमने एक संडे का दिन रखा कि बच्चों को बाहर लेके जाए। देखो हाई का कितना डिफरेंस है, एनी इधर और मैं इधर। चलो जी मिलते हैं, बाहर जाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी ईमान, कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? खेलोगी? अच्छा चलो फिर तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं, आ जाओ। गाड़ी में पड़ी हुई मिट्टी और बेटा मेरा उस पर बना रहा है तस्वीरें। हाँ क्या बनाया इसने आपने? आदमी बनाया है, वाओ। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे। तो भाई हम लोग पहुंच गए इस्लामाबाद लोग विरसा में, बच्चे मेरे साथ हैं, एनी मेरे साथ है, हम लोग घूमने फिरने के लिए आ गए यहाँ पर। और बच्चों क्या खाओगे तुम लोग अभी यहाँ पे जाके? अच्छा यहाँ नहीं मिलता पिज्जा। साइम साइम हम पहुँच गए लोग विरसा में। हाँ एनी क्या प्रोग्राम है आगे? बस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और ईमान और बच्चे एक्साइटेड हैं। ईमान बड़े एक्साइटेड हैं। कहाँ पे आए हैं आप बताओ? ईमान क्या उठा के लाई है? ईमान के पास क्या टॉयज लेके आई है? चलो भी ठीक है, उतरते वहाँ जाके देखते हैं। चलो जी हम लोग पहुँच गए लोग विरसा में, ये सामने वो लोग बिठा के जाएगा। आ जाओ बच्चो, आ जाओ एनी, बच्चो आ जाओ, साइम साइम आ जाओ, आ जाओ शाबाश। ओए अपना बैट भी ले आए साथ, हाँ मजा आएगा खेलने का। साइम आ जाओ प्लीज, कम ऑन। लो जी हम पहुंच गए इस्लामाबाद हेरिटेज। पीछे देखो जी यहाँ पे एक ये खड़ा हुआ है, पीछे टांगा खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखें जी यहाँ पे क्या है, बड़े मजे के बनाया है इन्होंने ना। हाँ अच्छा लग रहा है, प्यारा। इस घोड़े को दिखाओ। किसको? इसको। कहाँ पे घोड़ा? ये रहा घोड़ा, वो खुद को देख रहा है। बग्गी दिखाएगा ईमान, आप चलो 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 आगे, चलो आगे जा रहे, आगे चलो, आ वहाँ चलो मुड़ो। जागी जागी रात मेरी रोशन से है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। मेरे को बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमान कहते मुझे मजा आ रहा है। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे, पीछे साइम ईमान और ये एनी और हसनैन, वो सामने पहुँच गया। ये बड़ी मजे की जगह, ईमान 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 हसनैन साइम, वाओ। ये क्या कर रही है, कौन है? ये देखो पानी डाल रही है इसके अंदर। अरे ईमान क्या कर रही है ये आंटी, क्या कर रही है? अच्छा हाँ जी बेगम साहिबा, लगता है खर्चे का टाइम आ गया। ये देखें छोटा सा ना ईमान को नहीं आएगा। लो जी एक तो इन दुकानदारों ने हर जगह दुकान खोली होती है, सीधी है ना? अल्लाह करे बेगम को पसंद ना कोई आ जाए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। प्राइस है?
है बताना। ओहो फकत 200 रुपए का। ओनली 200 रुपीज। ये पैक कर दे। अच्छा है वैसे ये सिन से बन के आता है। अच्छा हाँ हाथ का बना हुआ है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है 200 रुपए का। ओके गाइस थैंक यू। आज 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 मेरे साथ आ जाओ आज 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 ईमान को देखो ईमान को देखो ईमान बागी फिर रही है। यहाँ पे बुक स्टॉल भी लगे हुए हैं बुक्स लोग ले रहे हैं यहाँ पर और ये कुछ अच्छा यहाँ पे बड़ी मजे ये वाह 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 क्या बात है शीशे का काम हो रहा है यहाँ। और यहाँ पे रियल फ्रेम बना रहे हैं बहुत मजे की जगह। तभी मैंने कहा दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखना है बड़ी मजे मजे की है तुम्हें दिखाऊंगा ये सब कुछ हैंडमेड है। ओए आपको पसंद आ गया ईमान आ जाओ कम 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 आ जाओ वाओ ये देखो यहाँ पे क्या चलो अली जाओ। ओपन थिएटर है ये और इसकी सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। ईमान कितना एंजॉय करी ईमान भागो आगे जाओ। चलो जी यहाँ पे हमारी हाइट होगी बराबर ये देखो जी ये ऊंची स्टेज पे चल रही है तभी जाएगा बराबर हुआ। अरे अपन के बराबर कोई नहीं हो सकता समझ आई ना। वाओ नाइस हेरिटेज भाई वाकई ये तो कीड़ा है कीड़ा है। अच्छा यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मेरी हालत थोड़ी अच्छी नहीं हो रही मैं सुबह असल में नहाया नहीं हूँ जैसे ही मुंह धोया यहाँ पे उठ के आ गया हूँ। बेगम साहिबा तो बड़ी तैयार बैठी है आज तो माशाल्लाह से फास्ट को तैयार नहीं किया इतनी ज़्यादा ठंडा संठन में दिन नहीं करता कि बंदे इतना कुछ करे। हाँ वैसे भी अभी बीमारी सूट हैं बुखार सुखार तो ख़त्म हो गए लेकिन अभी हमारा नेगेटिव आ गया कोरोना का तो आज हम निकले पहली बार उसके बाद तो बड़ा रोमांटिक माहौल बना हुआ है। बहुत दिनों के बाद हम निकले हैं मतलब कि 15-20 दिन हमें हो गए। बेटा वहाँ गिर जाओगे आप आराम से रहो। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है बंदा थोड़ा फ्रेश हो गया। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा रहा हूँ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे दिल का। अच्छा जी आज बड़ा रोमांटिक माहौल बन गया वैसे यानी। अच्छा गाना कैसा लगता है ये वाला? ये गाना अच्छा है मुझे तो अच्छी लगती है इंडियन सॉन्ग तो मेरी फेवरेट है। आज मुझे लगता है कि मेरी शादी का पहला दिन है आज फर्स्ट डे ऑफ आवर मैरिज। बेचारा फिर से जवान हो गया पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे हमारी शादी को इतना अर्सा तो नहीं हुआ अभी हमारी शादी को कितना अर्सा हुआ वैसे यानी? पापा याद करें अपनी शादी के दिन बताओ मुझे लगता है हमारी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। 10 इयर्स इतना अर्सा गुजारा हो गया अब तो दूसरी शादी करने का टाइम आ गया लगता है। शादी करके लोग बहुत वायरल हो रहे हैं तो आप भी हो जाएं थोड़ा चेहरा बेचारा अच्छा ग्रो कर जाएगा। हाँ यार चलो कुछ सोचते हैं इस बारे में साजिद भाई से टिप्स लेते हैं इस बारे में वो मेरे अच्छे बड़े से दोस्त हैं वो मेरी इस बारे में हेल्प करेंगे कि उन्होंने सारा को कैसे एग्री किया। आपस की बात है यानी को पता नहीं चल रहा। चलो जी ईमान कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अयसन आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? इधर आओ कैसा लगा? अच्छा लगे। क्या अच्छा लगा? मैं अभी नीचे जाऊंगा। अच्छा जाओ जाओ नीचे हम यहाँ पे माहौल बना के बैठे हुए हैं। अच्छा वैसे बड़ा अच्छा मम्मा के सामने रहना मम्मा आपको देख रही है बड़ा अच्छा। पीछे देखो पीछे बड़ा प्यारा एक लाइव परफॉर्मेंस का जो थिएटर है वो बना हुआ है पीछे यहाँ पे देखो बड़ी प्यारी विंडो है। ये क्या? नो 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 बेबी सर्दी है इतनी नो सर्दी है गला खराब हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ कमन 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 मैं ले दूंगा आपको दोबारा ले दूंगा दोबारा अभी मौसम ठीक हो जाए फिर ले दूंगा। आ जाओ ना बेबी प्लीज
ये साइम साहब निशाना करने लगे हैं। हसन निशाना करो उसका। चलो हम लोग जा रहे हैं वापस। चलो अच्छा जी, प्लान हमारा हो गया चेंज। हमारा प्लान था अपना डिनर करने का होटल में, लेकिन अभी प्लान ये बना कि हम घर जाएंगे और वहीं घर के पास ही एक बड़ी प्यारी एक होटल है, वहां से सब्जी मिलती है बड़ी मशहूर, बड़ी मजेदार। तो हम वो सब्जी लेंगे, वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि वो सब्जी कैसी है। ये तैयार हो रही है सब्जियां और हमने जो पसंद किया है वो ये है। ये हमारी अब रेडी हो रही है।